गाजीपुर फोर लेन जमीन में अधिकृत हो जाने के बाद चार महीने से जिला मुख्यालय, कमिश्नरी, सांसद, विधायक व पूर्व जिला अधिकारी का चक्कर काट कर किसान जब थक गए तो वहां के बीजेपी नेता ने एक बार किसानों को थोड़ी सी राहत दे दी, लेकिन उसके साथ ही एक शर्त लगा दी जिसको निभा पाना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी नेता का कहना है कि जैसे ही निकाय चुनाव खत्म हो जाएगा वैसे ही सबके खाते में करोड़ों रुपए जमीन के आ जाएंगे। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी निकाय चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी करेगी। एबीएन समाचार से गाजीपुर के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। सर, NH 920 का जो है मर्दा का जो मामला है, पूरा मामला क्या है सर? नहीं, आज जो हमारा फोर लेन नेशनल हाईवे जो बन रही है, इसमें तीन गांव के लोग हैं जो मीरपुर, महेगावा और कलहीपुर सदर तहसील के लोग थे, और एक सराय और हैदरगंज, ये कासमाबाद तहसील का गांव है। इन गांव के लोग आए थे। इन लोगों का कहना है कि इनको पट्टे में ज़मीन मिला था। कुछ लोग असंक्रमणीय भूमिधर है, कुछ लोगों का आमदा बरामद नहीं हुआ है, कुछ लोग संक्रमणीय भूमिधर बन गए हैं, इनको मौजा अभी तक नहीं मिला है। ये हम लोग अभी परीक्षण कर रहे थे। इसमें शासन लेवल पर भी इसमें मार्गदर्शन मांगा गया था, उसका जवाब अभी नहीं मिला है। फिर भी हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, यहाँ भी फॉलोअप कर रहे हैं, शासन में भी फॉलोअप कर रहे हैं। जल्दी ही अपना परिचय बताएं। ये शंकर राय पर मिलाद है, भारतीय जनता पार्टी। अभी आप जो है DM से जो है मिलने आए हैं, पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि NH के लिए जो ज़मीन किसानों की, छोटे काश्तकारों को दी गई है, उसका मुआवजा नहीं प्रदान किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप असंक्रमणीय थे, संक्रमणीय हो गए हैं, तो भी सरकार से हमने मांग की है कि इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाए। वास्तविकता ये है कि जो असंक्रमणीय से संक्रमणीय हो जाता है, मालिकाना हक उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। पहले ये 15 वर्ष की सीमावध थी, अब सरकार ने इसको कि असंक्रमणीय भूमिधर अर्थात 5 वर्ष में ही उसे शासन प्राप्त करा दिया जाएगा। ये राजस्व के, खास तौर से लेखपाल कानूनगो और तहसीलदार के स्तर पर इतना हीला हवाली की जा रही है। उनका ये कहना है कि आप इसके लिए संक्रमणीय भूमिधर होने के लिए आप बाद प्रस्तुत करो। बात बोलो तो रुक जा। अपना पर्चे बताएं। हाँ, हमारा घर ग्राम महेंगा दीवान पट्टी टिपरा थाना मर्दा जिला गाजीपुर के मूल निवासी हैं। क्या मामला है आपका? पूरे हम लोग DM साहब से मिलने आए थे। फोर लेन NH 29 फोर लेन चौड़ीकरण में हम लोग की जमीन प्रभावित हो रही है। उसमें जो प्रभावित हो रहा है, वह गजट में भी हमारा नंबर नाम आया है, CD में भी आया है, हमको नोटिस भी भेजा गया है। हमारे गजट वाले नाम नंबर पे भारत सरकार द्वारा धन भी आवंटित करा गया है, लेकिन यहाँ के NHI और जिला प्रशासन यह कहकर मुआवजा नहीं दे रहे हैं कि शासन को